Hello students, how are you all? As you all know that your unit test is going to start and I hope you all have started studying at your home and have completed all your work in all the subjects and I wish you all will give your test very well and best of luck for your test because you are at your home and you can improve yourself by being at your home. आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना टेस्ट देना है, ठीक है? तो डोंट बी नर्वस बिल्कुल मत होइएगा, अच्छे से अपना टेस्ट दीजिएगा, ओके? नाउ आई हैव टू टेल यू दैट हाउ यू हैव टू गिव योर टेस्ट एंड इन विच कॉपी. आपको अपने टेस्ट कहाँ, किस कॉपी में और कैसे देना है. आपको एक हिंदी की कॉपी मिली होगी ऐसी 2 लाइन्स की, इसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक है? इसमें आपको पहले इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज पर है, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, क्लास, इसमें आप अपना नेम लिख लीजिएगा. रोल नंबर लीव इट फॉर नाउ, अभी के लिए रोल नंबर छोड़ दीजिए. सब्जेक्ट में आप टेस्ट कॉपी ही लिख लीजिएगा क्योंकि आपकी स्पेशली टेस्ट कॉपी के लिए, ये कोई आपकी सब्जेक्ट कॉपी नहीं है, ये आपको टेस्ट के लिए दी गई है. तो आप इसमें टेस्ट कॉपी लिख लीजिएगा सब्जेक्ट, और आपका जो भी क्लास होगा 4th, 5th, 6th, जो भी आप जिस क्लास में हैं आप अपना क्लास मेंशन कर लीजिएगा, ओके? नाउ हाउ यू विल डू योर पेपर, आप अपना पेपर कैसे करेंगे. पेपर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं यूनिट टेस्ट 1. एक बड़ा सा अपने पेन या पेंसिल से भी आप लिखते हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए यूनिट टेस्ट 1, ठीक है? मीन्स ये आपका यूनिट टेस्ट 1 चल रहा है क्योंकि अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे. देन अब आपका जिस दिन पेपर है आप उस दिन की डेट लिखेंगे. सपोज आपका 9 को पेपर है तो राइट डाउन हियर 9, 8 और 20, 21 डेट लिख लिया आपने. देन राइट डाउन योर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ओके? आपका जो भी नेम है राइट डाउन योर नेम, आपकी क्लास और जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए. जैसे आपका अगर ईवीएस का पेपर है तो आप यहाँ पर ईवीएस लिख लीजिए, ठीक है? ईवीएस लिख लिया आपने, इतना हो गया ही आपका. अब आप यहाँ पर यू कैन लीव योर 3 लाइन्स, यहाँ पर 3 लाइन्स आप छोड़कर 4th लाइन से या 2 लाइन्स छोड़कर 3 लाइन्स या 3rd लाइन से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं. जैसे अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पेपर जब आपको जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट आंसर, जो भी होगा तो आप लिख लीजिएगा आंसर 1, ऊपर लिख लीजिएगा आंसर 1. आंसर 1 लिखने के बाद आपका जो भी होगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 आप लिखिए. सपोज आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा सेंटेंस लिखना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है. पूरा सेंटेंस लिखने के बाद जहाँ पर ब्लैंक होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ लिख लेंगे, ठीक है? उस तरह से अगर आपका 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपने लिख लिया, उसके बाद 2 लाइन्स छोड़ने के बाद आप फिर लिखेंगे आंसर नंबर 2, ठीक है? आंसर 2, अब ट्रू फॉल्स होगा आंसर नंबर 2. तो आंसर 2 में ट्रू फॉल्स में भी नंबर 1 लिखिए, अपना सेंटेंस लिखिए. सेंटेंस लिखने के बाद फुल स्टॉप जैसे लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा वैसे लिख लीजिएगा. उसके बाद आपको अगर वो सेंटेंस ट्रू है तो आपको सिर्फ टी नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट टी, आपको पूरा ट्रू लिखना है, टी आर यू ई ट्रू. अगर वो सेंटेंस फॉल्स है तो पूरा फॉल्स लिखेंगे, एफ एल एस ई फॉल्स. तो इस तरह से आपका ये हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया. फिर
फिर आपका आएगा ट्रू फॉल्स हो गया, फिर मैचिंग अगर हुआ तो आप आंसर 3 लिख कर मैचिंग करेंगे। मैचिंग में सिर्फ वन और ए नहीं लिखना है, ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस लिखने के बाद फिर मैचिंग करनी है, जैसे आप क्लास में कॉपी में करते हैं। ओके, देन आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, अगर क्वेश्चन आंसर दिया है तो आपका समझिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आंसर 5 आपने लिखा। अब आप लिखेंगे अगर ए बी सी डी करके दिया या 1 2 करके दिया, अगर ए बी सी डी दिया तो आप आंसर ए लिखिए, आंसर ए, और अगर 1 2 दिया हुआ है तो राइट डाउन आंसर 1, ठीक है। ऐसे करके आप सारे आंसर्स कर लिए, सपोज कि आपका यहाँ पर अगर 5 क्वेश्चन करना है तो आपने 5 क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पर आपका ई वी एस का ख़त्म हो गया पेपर, आपका पेपर एंड हो गया। अब आप इसका पी डी एफ बनाकर आपको नंबर पर फॉरवर्ड करना है, ठीक है, नंबर आपको बता दिया जाएगा किस नंबर पर फॉरवर्ड करना है आपको वो, और टाइम के अंदर ही आपको करना है, जैसे आपका 9 to 10:30 आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग है तो 10:30 से पहले पहले आपका पेपर उस नंबर पर आ जाना चाहिए, मीन्स आपके आंसर्स आ जाने चाहिए, नहीं तो फिर आपका वो पेपर नहीं माना जाएगा, आपको फिर नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि 10:30 से पहले यानी 10:30 के पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और आप उसका पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकें। उसके बाद अब आपका ईवीएस सपोज यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब आपका दूसरे दिन हिंदी फर्स्ट का पेपर है, तो हिंदी फर्स्ट के लिए अब आप कहीं से भी कुछ भी नहीं खोल सकते हैं, यहाँ पर ईवीएस ख़त्म हुआ, आप नेक्स्ट पेज से आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर आप लिखेंगे वही चीज़ नेम क्लास सब्जेक्ट डेट, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब या तो डेट आप यहाँ पर लिखिए या आप डेट यहाँ पर लिखिए, बट ये चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पीडीएफ सेंड करेंगे तब यहाँ से आपका नेम नहीं आएगा, यहीं से मैम देखेंगी कि आपका नेम क्या है, आपकी जब आप पीडीएफ इसका सेंड करेंगे लिखकर, तो आपको ये 4 चीज़ें हर डेली जिस जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन ये 4 थिंग्स यू हैव टू राइट, आपको ये 4 चीज़ें लिखनी ही होंगी क्योंकि कॉपीज तो आपकी बाद में आएंगी, पहले आपका उस सब्जेक्ट का पीडीएफ बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज़ें लिखनी है, अगर आपने अपना नेम क्लास मेंशन नहीं किया तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो किसका पेपर है और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप जब आपके पास ये कॉपी है, आपने अगर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया है तो आप पहले से ही रेडी रहिए उस चीज़ के साथ, ये पहले ही आप लिख लीजिए, अपना नेम लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, सब्जेक्ट आपको पता ही है कि उस डेट में अरे उस डे नेक्स्ट डे आपका कौन सा पेपर है और डेट भी आपको पता है कि नेक्स्ट डे कौन सी डेट रहेगी, तो ये आप पहले से भी रेडी रख सकते हैं। ओके, अब ये हो गया, इसके बाद फिर आप 3 लाइन्स छोड़कर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप आंसर 1 आंसर 2 करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बताया है सेम वे आपको सारे सब्जेक्ट में, चाहे ईवीएस हो, ऐसे आपका इंग्लिश फर्स्ट हो, उर्दू हो, जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इसी वे में पेपर करना है, ठीक है। लास्ट आपके पेपर की टाइमिंग आपको पता ही है कि 9 to 10:30 है, तो 9 to 10:30 तक में आपको अपना पेपर कंप्लीट करके 10:30 से पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है आप उसका या तो पीडीएफ बना लीजिए, और अगर पीडीएफ बनाने नहीं आता है तो पेज वाइज आप पे क्लिक कर सेंड कर सकते हैं, जैसे आपका ये पेज 1 हो गया, पेज 2 और पेज 3 पेजेस हैं, तो आप पेज वाइज पे क्लिक कर और पिक क्लियर होनी चाहिए, क्लिक कर आपको नंबर पर, मैम के नंबर पर फॉरवर्ड कर देना है। ओके, और 10:30 के बाद अगर आपका पेपर आता है, मीन्स आपके आंसर्स आते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए इस चीज़ का टाइम का ख़ास ध्यान रखिएगा कि 10:30 के पहले पहले आपका पेपर आ जाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको पेपर कैसे देना है। एक भी पेज, डोंट वेस्ट अ सिंगल पेज, आपको कोई भी पेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
जो सब्जेक्ट का टेस्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जितना भी पेज ले रहा है, 1, 2, 3, 4, सपोज़ ये आपका हिंदी फर्स्ट है, हिंदी फर्स्ट आपका इस पेज पर, यानी 4 पेजेस लिया, तो फिर आप इसी के बाद नेक्स्ट पेज से फिर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट लिखकर आप यहाँ से दूसरे सब्जेक्ट का पेपर देना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका पेज वेस्ट भी नहीं होगा। ओके, एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड डू इट वेरी वेल, एंड टिल देन रिवाइज ऑल योर सब्जेक्ट्स, स्टडी एट योर होम प्रॉपरली एंड बी सेफ एट योर होम।